आप भी ऑफिस का काम कर करके, घर का काम कर करके, जिम्मेदारी संभाल के और पढ़ाई कर करके आप थक चुके हो। कोई नहीं, लेट्स चिल आउट फॉर सम टाइम। हैव यू एवर बीन टू माउंटेन? पहाड़ों में कभी गए हो? नहीं, कोई नहीं, मैं लेके चलती हूँ कुछ समय के लिए। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। जब भी होम टाउन जाती हूँ, जैसे ही पहाड़ों वाले रास्ता शुरू हो जाती है, जंगलों की एक अलग सा खुशबू होती है। तो जैसे ही पहाड़ शुरू हो जाती है, मैं उस खुशबू में खो जाती हूँ। ऐसा फील होता है कि आई बिलोंग टू द माउंटेन। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, फिर पता नहीं चलता घर का पहुँच जाती हूँ। कभी आपने दिल्ली में फील किया है बहुत दिनों के बाद जब बारिश होती है, बारिश का जो पहला दो तीन बूंद के बाद मिट्टी से एक खुशबू निकलती है, दैट फ्रेग्रेंस ड्राइव्स मी क्रेजी। और जब दिल्ली में बारिश होती है, आपको क्या खाना पसंद है? मुझे तो चाय काफ़ी पसंद है, चाहे वो ब्लैक टी हो या मिल्क वाली चाय हो, कॉफ़ी भी कभी कभार, लेकिन मोस्टली चाय। मैंने अपने छत में लेमन ग्रास उगा रखी है ताकि जब भी मौका मिले चाय पीने का, मैं चाय बना के पी सकूं। एंड समटाइम्स I like the tea with pakoda. पोहा तो मेरा पसंद है ही, उसके अलावा पकोड़े भी अच्छा लगता है। So today I'm going to make simple pakode. आपको तो पकोड़ा आपको बनाना तो आता होगा, है ना? So just some प्याज, मिर्ची और मसाला अपने स्वाद अनुसार। मैं तो डालूँगी करी लीव्स, भी है मेरे छत में, धनिया भी डालूंगी। आप कुछ भी मसाले डाल सकते, जो आपको अच्छा लगता है वो डालिए। आपका पसंद का होना चाहिए जो भी मसाला है, और एकदम बड़े प्यार से बनाना, धीरे धीरे इंजॉय। मैं तो फिलहाल ये वीडियो टाइम लैप्स में बना रही हूँ, फास्ट में, फास्ट फॉरवर्ड करके। Otherwise, I'm enjoying every bit of pakoda making during my week off, और वो भी जब बारिश हो रही है तो। Add water to the basin, उतना भी ज़्यादा add मत करना, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, नहीं तो उसको तलना मुश्किल हो जाएगी। कढ़ाई में तेल डाल के पकौड़े को धीमी आंच में धीरे धीरे तलो। फ्राई इट टिल इट इज गोल्डन ब्राउन। एंड इन द मीन वाइल आप चाय का बर्तन चढ़ा लेना, चाय भी बनते रहेगी, आपका पकौड़ा भी बनते रहेगी। एंड इन्जॉय इट। आपके घर के बाहर छत है तो छत में या बैलकनी में बैठ के आराम से इंजॉय करो, बारिश का मजा लो पकोड़े चाय के साथ। आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग द रेन। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव एंड लाइट। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और बाकी का जो मैंने वीडियोस बनाई है स्लो लिविंग पे, वो भी ज़रूर जाके देख लेना, मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।